हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, मजगांव डॉक शिपयार्ड लेटेस्ट न्यू स्टॉक टू बाय नाउ, एक बेहतरीन स्टॉक जिसको पहले भी मैंने रेकमेंड किया है मेरे चैनल पे, और पिछले 3 दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक पे बना हुआ है। करीबन 600 रुपए के लेवल से ये स्टॉक आज का इसका जो हाई था वो था 799 का, और क्लोजिंग दिया है 750 का। 3 दिनों में ये स्टॉक में मोमेंटम आया है, और इसका मेन कारण है 10 नवंबर को अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे क्वार्टर टू के नंबर्स, और इसी वजह से ये स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बना है। पहले भी 600 के लेवल्स में मैंने रेकमेंड किया था स्टॉक के लिए, स्टॉक में, और टारगेट दिया था 750 का, जो आज के दिन पे अचीव हो चुका है। लेकिन अभी भी आपने अगर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है, अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टारगेट रखिए, शॉर्ट टर्म का टारगेट अभी आपको रखना है यहाँ पे स्पेसिफिकली 880 के लेवल्स का, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो 1500 के लेवल्स आराम से आपको देखने मिलेंगे। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपनाना है, क्योंकि 3 दिन में काफी रन अप हो चुका है ये स्टॉक में, तो हर डिप्स में बाय करना है। लास्ट डिप आपका बाय होना चाहिए 650 के लेवल्स पे अगर आपको मिलता है तो। फिलहाल कोचिन शिप मजगांव डॉक की बात करें, या कोचिन शिपयार्ड की बात करें, या जी शिपिंग की बात करें, जितने भी शिपिंग स्टॉक्स हैं सभी में अच्छा खासा मोमेंटम है। और आज के दिन पे 2 शिपिंग स्टॉक्स में लाया हूँ आपके रिकमेंडेशंस के लिए, और पहला है कोचिन शिपयार्ड, पहला है मजगांव डॉक, दूसरा है कोचिन शिपयार्ड। तो इस वीडियो में मजगांव डॉक की बात करेंगे, इसके फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे, और दोनों के रिजल्ट ही स्पेसिफिकली अच्छे खासे मोमेंटम में आने वाले, तो दोनों स्टॉक पे जरूर नजर रखें। वीडियो की शुरुआत में, आज एक्सपायरी का हफ्ता था, एक्सपायरी का दिन था आज के दिन पे। अगर हमने देखा स्पेसिफिकली जो एक्सपेक्टेशन था कल रात को यूएस का फेड का रेट्स में हाइक होने का, वही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 75 बेसिस पॉइंट बढ़े। कमेंट्री भी न्यूट्रल ही आया था, इतना हॉकेश नहीं आया था कमेंट्री। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कह सकते हैं यहाँ पे कमेंट्री आई ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो थोड़ा बहुत हॉकिश हुई। इसी वजह से डाउ जोन्स में कल 900 पॉइंट की गिरावट हुई। लेकिन अगर एज कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो जो गिरावट होनी चाहिए थी डाउ जोन्स में वो भी कम हुई, यानी वहां के भी बाजार मजबूत है। आज यहाँ पे हमने ओपन किया था 17950 के आसपास, 17970 के आसपास प्री ओपनिंग में, या ओपनिंग में कह सकते हैं, और इमीडिएटली हमें 18025 के लेवल्स को टच कर दिया विद इन फर्स्ट 15 मिनट्स। उसके बाद हम 18100 के लेवल्स के आसपास भी पहुंचे, लेकिन हम उसे क्रॉस नहीं कर पाए। पूरे दिन हमने कंसोलिडेट किया बिटवीन 18025 से लेके 18075 के लेवल्स पे, हमने पूरे दिन कंसोलिडेट किया, और क्लोजिंग भी हमें 18050 के आसपास मिला। तो क्लोजिंग बढ़िया मिला है, ना ही खराब मिला है, ना ही काफी कुछ अच्छा हुआ है। 18125 के ऊपर आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, और 18 स्पेसिफिकली 18 17800 के नीचे, या 17900 के नीचे टू बी प्रिसाइज, हम थोड़ा बहुत बेरिश मोमेंटम में जाएंगे। तो फिलहाल मोमेंटम स्ट्रांग ही है, आगे भी स्ट्रांग ही रहेगा। कंटिन्यू रखिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को, और अपने इन्वेस्टमेंट्स को उस हिसाब से टैकल कीजिए। टैकल करने का बेहतरीन तरीका मैं हर बार कहता हूँ हर वीडियोस में, एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव में जुड़ जाइए 3 से 4:45 के बीच में। जितने भी डाउट्स है क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर लीजिए। दूसरा तरीका है यहाँ पे एडवाइजरी प्रोडक्ट, 30 डेज 90 डेज दो तरीके के पैकेजेस। दोनों पैकेजेस में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप डिलीवरी बेस, इंट्राडे बेस, एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। स्पेसिफिकली अगर आपको डिलीवरी बेस, इंट्राडे बेस, एफएनओ बेस, आपको स्टॉक्स के साथ साथ में आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट होगा, और ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स लाइव डेटा के थ्रू आपको कह सकते हैं यहाँ पे लेवल्स बताए जाएंगे, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट, आप ट्रेडिंग दोनों अच्छे से कर पाए। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मजगांव डॉक के बारे में, और कैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, क्या टारगेट्स होने चाहिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, ये सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले, जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। साथ ही हम मजगांव डॉक की बात करो तो इस समय ये ऐसी एक स्ट्रांग, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है जिसने रिसेंटली अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, और पिछले 4 महीने का अगर इसका चार्ट पैटर्न देखिए, 6 महीने का रिटर्न देखिए, पूरे साल भर का रिटर्न देखें, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। 2022 में जहाँ पे हमने बड़ी बड़ी कंपनीज को स्ट्रगल होते हुए देखा है, बड़ी बड़ी कंपनीज को रिटर्न ना देते हुए देखा है अपने इन्वेस्टर्स को, उसमें ये कंपनी जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है, शिपयार्ड सेक्टर या शिपिंग सेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। डिफेंस सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर में एचएएल, बीडीएल की बात करें, तो उन्होंने भी यहाँ पे 1 जनवरी 2022 से लेके अब तक बढ़िया रिटर्न दिए हैं। तो स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर की बात करें, या शिपयार्ड बिल्ड शिप शिपिंग स्टॉक्स की बात करें, तो उन्होंने इस बार अच्छा खासा मोमेंटम इस साल में दिया है। कोचिन शिपयार्ड, मजगांव शिपयार्ड सोर अप टू 8% ऑन होप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग क्यूटी रिजल्ट्स।
ये कल जिस हिसाब से मूव आया था उसका एक ऐसे आज भी, लेकिन दोनों स्टॉक्स में 8.5% का मूव हमने देखा। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो मजगांव डॉक पिछले साल से, एक साल से लेके अगर दो 1 हजार 2022 1 जनवरी 2022 से अगर आप देखते हैं तो 277% का रिटर्न दिया है, जबकि कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इसने 185% का रिटर्न दिया है। तो अच्छा खासा मोमेंटम दोनों स्टॉक्स में दिया है। कल के दिन पे देखें तो ये स्टॉक करीबन स्पेसिफिकली 700 के लेवल तक गया था, 750 के लेवल तक इनफैक्ट गया था। आज भी ओपनिंग 750 की हुई थी, 799 का इसने हाई किया था और वहां से ये स्टॉक नीचे की तरफ घुमा और फिर क्लोजिंग दिया है 750 का। अब भी अच्छा खासा मोमेंटम है स्टॉक में, तो ये भी स्टॉक मेंटेन रखे और मोमेंटम स्पेसिफिकली बना इसीलिए है क्योंकि नवंबर 10 तारीख को ये कंपनी अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे और क्वार्टर टू के रिजल्ट्स काफी अच्छे आने वाले हैं एज कम्पेयर टू क्वार्टर वन। क्वार्टर वन से भी बढ़िया क्वार्टर टू के रिजल्ट होंगे। सेम गोज फॉर कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में भी अगर हम देखें तो कल के दिन पे 590 का हाई किया था, आज के दिन पे कोचिन शिपयार्ड में 617 का आया था और उसी वजह से इसके जो रिजल्ट आएंगे वो भी अच्छे खासे मोमेंटम में होंगे। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड, मजगांव शिपयार्ड, जितने भी शिपयार्ड शिपिंग कंपनीज है सभी के रिजल्ट्स क्वार्टर टू के बहुत ही, क्वार्टर वन से भी काफी अच्छे आने वाले हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखें तो कल के दिन पे 2 करोड़ का वॉल्यूम था, नॉर्मली इसका वॉल्यूम रहता है 66 लाख का, जिसमें से 7 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी पूरे महीने में देखी गई है। ये रिटर्न परसेंटेज देख लीजिए, एक साल में 160% का रिटर्न, ईयर टू डेट यानी 1 जनवरी 2022 से लेके अब तक इसका 160% का रिटर्न है, 3 महीने में 160%, 1 महीने में 46% और 1 हफ्ते में 16% का रिटर्न। चार्ट पैटर्न देख लीजिए, एक पिछले 5 दिनों का बॉटम था 620 का, हाईएस्ट पॉइंट था 797, 1 महीने का चार्ट पैटर्न बॉटम था 493 का, हाईएस्ट पॉइंट है 797, 3 महीने का बॉटम 262, हाईएस्ट पॉइंट है 797। तो 3 महीने में 262 से लेके ये स्टॉक 800 रुपये तक चला गया है और अभी भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम बाकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास है 85% इंटैक्ट है, पब्लिक होल्डिंग्स है करीबन 11.35% और एफआईएस का होल्डिंग है 3.05%। रेवेन्यू इस पर्टिकुलर कंपनी का देखिए पिछले 5 साल का, 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 4,409 करोड़, 2022 में आया है 5,733 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट 2018 में 429 करोड़ के आसपास और 2022 में 586 करोड़ के आसपास। ईपीएस की बात करें 2018 में 18.27 का ईपीएस था, इस बार है 29.08% का ईपीएस, 08 रुपीज का ईपीएस। और अगर म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें तो यहाँ पे क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 5 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बेचा है, सामने एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, डिफरेंस सेलिंग साइड में आया है और वो है 4,48,000 क्वांटिटीज, करीबन 4.5 लाख क्वांटिटी ऑफ कोचिन मजगांव शिपयार्ड यहाँ पे सेल हुए हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर बाई द म्यूचुअल फंड कंपनीज। रिटर्न परसेंटेज RSI 78 है, MFI 75 है, दोनों ही न्यूट्रल जोन से ऊपर है लेकिन अब तक ओवरबॉट नहीं हुए हैं। तो रिटर्न परसेंटेज देखिए तो ये भी अच्छे हैं और रिजल्ट देखिए स्पेसिफिकली तो रिजल्ट यहाँ पे जून 2021 की बात करें तो था करीबन 1,302 करोड़ का रेवेन्यू, इस बार है 2,366 करोड़ का रेवेन्यू। 2000 स्पेसिफिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें जून 2021 में तो वो था 125 करोड़ का, यहाँ पे 290 करोड़ का जून 2022 में। और जून 2021 की बात करें तो 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जून 2022 की बात करें तो 224 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ईपीएस पिछले जून में था करीबन 5 के आसपास, इस बार 11.1 के आसपास। तो रिजल्ट्स पिछले 5 क्वार्टर में काफी अच्छे हैं, पिछले 5 साल के मैंने आपको बताया, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट ईपीएस बताया, यहाँ पे पिछले 5 क्वार्टर के आपको बताया, तो 5 क्वार्टर 5 ईयर की बात करें तो बढ़िया रिजल्ट है कंपनी के। लेवल से अगर आप देख लेते हैं तो स्पेसिफिकली एक साल में 160% का रिटर्न है, 6 महीने में 146% का रिटर्न, 3 महीने में 158% का रिटर्न, 1 महीने में 46% का रिटर्न, 1 हफ्ते में 16% का रिटर्न। तो बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया मोमेंटम में है मजगांव डॉक, जरूर इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाय एंड डिप्स का स्ट्रैटेजी अपनाइए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है जो आपका टारगेट होना चाहिए 880 के आसपास का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म 1500 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं मजगांव डॉक के लिए। आपके स्क्रीन पे आपके मोबाइल नंबर, मेरा आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहा है, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है
वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।